हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज हम फिर से आज क्योटेक्स पे ट्रेडिंग करने वाला हूँ मैं आपके सामने लाइव। तो मैं यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ सभी के सामने। तो गाइस ये थोड़ी पर्सनल डिटेल्स हैं तो छुपाना ज़रूरी है। सो एक कोड हम टाइप कर देते हैं। तो गाइस क्योटेक्स पे आज आप सभी के सामने मैं बहुत अच्छी आज ट्रेडिंग करने वाला हूँ। देख सकते हैं मेरी ट्रेड हिस्ट्री 27 अप्रैल की, जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ था 4 to 5,000 dollars का। बट कोई नहीं गाइस, आज हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे आप सभी के सामने। मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा तो देखते हैं गाइस। सो सबसे पहले मैं एक चार्ट खोलता हूँ, यूरो जीबीपी के चार्ट में हम जाते हैं। ठीक है गाइस, मार्केट आज काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। तो गाइस सबसे पहले हम कुछ लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम वन डे का टाइम फ्रेम खोलते हैं कि जो भी ये सबसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि वन डे के टाइम फ्रेम खोल के आपको वहाँ पे से स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल्स ड्रॉ करने हैं सबसे पहले। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर प्लेस करते हैं। मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस हम एक और यहाँ पे, ये मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी हैं। तो गाइस अब हम पूरा टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं कि हमारी लाइंस कितना सपोर्ट कर रही है। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं ये दोनों लाइंस। तो कोई नहीं, हम 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे, बट पहले हम देख सकते हैं कितना अच्छा डाउन ट्रेंड एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो गाइज़ यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट कितना अच्छा डाउन ट्रेंड पे आ रहा है 5 मिनट के चार्ट पे। तो कभी भी आपको 1 मिनट पे ट्रेडिंग करनी है तो हमें जो भी लाइंस ऐसा ना लेवल्स हैं वो सारे 5 मिनट्स के चार्ट्स पे ड्रॉ करने हैं। देखिए मैंने जो वन डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए थे वो कितना अच्छा सपोर्ट ऐसा ना लेवल यहाँ पे बन के आ रहा है। तो गाइज़ हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। गाइज़ यहाँ पे हम अगर ये अच्छी रेड कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे 50,000 की 2 से 3 ट्रेड प्लेस करेंगे। तो गाइज़ ये पता नहीं क्या आजकल मेरे क्योटेक्स के यूआई में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे मैं आप ये डाउन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वैसे ही पूरा ख़राब होने लग जाता है। तो गाइज़ हम एक आपके लिए ट्रेड प्लेस करते हैं, 2-3 देखिए 3 ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने 3 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए फिर से मेरा यूआई ख़राब हो गया, मैंने फिर से रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं। वेट करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से आपके लिए ट्रेड क्यों ली, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से डाउन आ रहा था, काफ़ी देर से डाउन आ रहा था। जैसे ही वो लाइन को जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया उसको टच करते मार्केट नीचे आ रहा था, पर नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन था जो अभी हमने वन डे टाइम फ्रेम से ड्रॉ किया था। तो आप देख सकते हैं वहाँ से मार्केट, आई एम वेरी श्योर कि ये हमारी तीनों ट्रेड्स विन होंगी। और मैंने यहाँ पे अपना 1% से भी कम अमाउंट जो मेरे अकाउंट बैलेंस है, ये देखिए फिर से इशू हो गया। आपको गाइज अगर यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको मनी मैनेजमेंट से चलना पड़ेगा। विदाउट मनी मैनेजमेंट आप कभी प्रॉफिट, 1 दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, 4th दिन आप सारा लूज़ कर जाओगे। देख सकते हैं हमारी ये सारी ट्रेड्स विन हो चुकी हैं। तो गाइज अभी मुझे लगता है मार्केट यहाँ से और गिरने वाला है, तो हम यहाँ पे कुछ डाउन की ट्रेड्स प्लेस करेंगे। तो मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ कुछ। अब ये देखिए फिर से इशू आ गया गाइस। तो गाइस हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद हो गई थी, तो इस वजह से मैंने ये देखिए अब सारी ट्रेड्स हम विन कर चुके हैं ऑलरेडी। वो जो जिस कैंडल पर हमने ट्रेड ली थी वो सारी की सारी विन हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। 44 सेकेंड्स की ट्रेड्स हैं सारी की सारी, आप देख सकते हैं वो सारी ट्रेड्स हमारी विन हो चुकी हैं। तो गाइस फिर से हम देखते हैं, अगर कोई अच्छी एंट्री मिलेगी तो हम यूरो जीबीपी में ही ट्राई करेंगे। तो पहले मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है इसका सीन, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से अच्छा ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे तो हमने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं काफ़ी अच्छे खासे, देखिए वन डे पर जो भी मैंने पहले ड्रॉ किया था सेम टू सेम। मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, एक थोड़ा नीचे और लगा देता हूँ यहाँ पर जी। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, 4 आवर पे भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आई थिंक मार्केट यहाँ से मुझे लगता है आप देख सकते हैं। तो लेट्स एक बार मैं थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ मार्केट को क्या होता है।
इसके बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे अगर अच्छी एंट्री मिलेगी तो ही। तो गाइस यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके तो मार्केट कितना नीचे आ गया देखते हैं गाइस। गाइस मैं थोड़ा और मार्केट को नीचे आने देता हूँ, फिर हम यहाँ से इसी कैंडल की एंड तक हम ये अगर थोड़ा और लाइन के पास आएगा तो हम वहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे कुछ इसी कैंडल के 5 मिनट्स के कैंडल के एंड होने तक का। तो वेट करते हैं गाइस, जैसे ही मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी एंट्री दिख रही है, क्योंकि मार्केट आई एम वेरी श्योर कि इससे ऊपर ही क्लोज होगा। तो देखते हैं गाइस थोड़ा और नीचे आ देते हैं, साहब मैं प्लेस शायद अब प्लेस कर देना चाहिए हमें। तो गाइस यहाँ पे मैंने 60 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने। आपको भी ट्रेडिंग गाइस इसी तरीके से बिल्कुल ईजीली करनी है, बट ये चीज़ आपको ओवरनाइट आप नहीं सीख सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं कहूँगा आपको 1 to 2 years की मेहनत लगेगी इसमें कम से कम। ये देखिए फिर से मेरा यूए का इशू आ गया, ये बहुत दिक्कत दे रहा है आजकल, तो इसलिए मैं खुद मोबाइल में ट्रेडिंग करता हूँ आजकल। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड अभी तो फ़िलहाल तो विन चल रही है। तो आप भी इस तरीके से इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। मैं आपको बोलता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड होता है मार्केट का, इन तीन चीज़ों पे आप काम कर लीजिए। सबसे मेन ये बेसिक्स इस मार्केट के, इसके क्या सारे मार्केट जो शेयर मार्केट होता है कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट जो भी होता है सारा उसके हर उन चीज़ों के ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, कि ये तो आपको आना ही चाहिए कम से कम। इसके बाद आप जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं, जो प्रो लेवल की चीज़ें होती हैं, वो आप सीख सकते हैं, बट आप इनसे भी काफ़ी अच्छी खासा बाइनरी ऑप्शंस में मेरे हिसाब से ये चीज़ें मोर देन इनफ आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हमारे ट्रेड को 1 minute 36 seconds और बच रहे हैं और हमारी ट्रेड अच्छी काफ़ी डीप फिन में चल रही है। कोई नहीं 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं उसे। कैंडल अभी ग्रीन में है बट देखते हैं, एंट्री हमारी काफ़ी अच्छी है। तो एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स में लेना है, ट्रेड की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपने एंट्री कहाँ ली है आपकी पूरी डिपेंड उसी पे होता है कि आप विन करोगे या लूज़ करोगे। तो गाइस आजकल मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब। पिछले 2-3 दिन में मैंने भी $5,000 to $10,000 का लॉस किया है, बट मुझे पता है कि मैं एक दिन में सारा रिकवर कर लूँगा। आपके सामने देख सकते हैं आज हमने काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। अब देखिए 56 सेकंड्स और बचे हैं हमारे ट्रेड को एंड होने में। तो वही है गाइज, अगर आपको भी अपना लॉस रिकवर करना है, आप भी को भी अगर बाइनरी ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो सकता हूँ, बट कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपके डाउट्स हैं, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा जैसे ही मुझे टाइम लेगा। तो वही है, अगर आप भी आपके लॉस रिकवर करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो VIP ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है उससे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइज काफ़ी अच्छा हमारी ट्रेड अभी विन चल रही है, देखते हैं वेट करते हैं क्या होता है। गाइज मेहनत हर चीज़ मांगती है, आपको मेहनत करते रहना है, आपको टूटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको हार्डवर्क करते रहना है। और आप देखोगे कि जितना भी आपने लॉस किया आप एक दिन में रिकवर कर लोगे सारा का सारा लॉस। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 6,30,000 का प्रॉफिट कर लिया है, अराउंड 10 to 12 lakh का हमने प्रॉफिट कर लिया है यहाँ पे मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं हमने जितनी भी आज सारी ट्रेड्स लिए हैं, सारी की सारी ट्रेड हमने विन करी। आप देख सकते हैं आज के डेट का जो भी सारी ट्रेड्स मैंने आपके सामने लिए हैं, यूरोजीट में हमने जो ली थी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।